इमरान खान ड्रग्स लेते हैं, इमरान खान गांजा फूंकते हैं, इमरान खान चरसी है और वे कोकीन के शौकीन भी हैं। ये हमारा नहीं बल्कि 70 और 80 के दशक में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाले पूर्व पाक क्रिकेटर सरफराज नवाज का कहना है। अपने एक वीडियो में सरफराज ने खुलासा किया है कि इमरान खान एक नंबर के नशेड़ी थे और वे किसी मैच में बुरा प्रदर्शन करने के बाद राहत पाने के लिए जमकर गांजा फूंकते थे। सरफराज ने दावा भी किया है कि इमरान खान उनके इस खुलासे को झुठला नहीं सकते हैं क्योंकि नशा करते वक्त उनके अलावा और भी कई पाकिस्तानी खिलाड़ी मौके पर मौजूद रहते थे। इमरान खान के नशे की लत के बारे में बताते हुए सरफराज एक घटना का भी जिक्र करते हैं। वीडियो में सरफराज कहते हैं, 1987 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच एक मैच हुआ था जिसमें इमरान खान ने बेहद बुरा प्रदर्शन किया। इसके बाद इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद मेरे घर आए, उन्होंने खाना खाया और उसके बाद चरस ली। मेरे साथ साथ मोहसिन खान, अब्दुल कादिर और सलीम मलिक भी वहां मौजूद थे। सरफराज आगे वीडियो में कहते हैं, इमरान खान लंदन में भी ये नशे करते रहा है। ये 10 रुपए या 20 रुपए के नोट को रोल करके कोई सफेद चीज नीचे रखता था और उसे सूंघता था। सरफराज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है बल्कि वे 1969 से लेकर 1984 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में उनकी कई बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहाँ यह भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इमरान खान पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हों। इससे पहले उनकी पूर्व पत्नी रहम खान भी उनके ऊपर नशेड़ी होने का इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। अपनी किताब में रहम खान भी इमरान खान पर गे, वोमनाइजर और ड्रग एडिक्ट होने के आरोप लगा चुकी हैं। रहम खान ने यहाँ तक कहा था कि इमरान खान कई सालों तक एक मर्द के साथ लिव इन में रह चुके हैं। इमरान खान वर्ष 2018 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और वे प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान की पहले से डूबी हुई अर्थव्यवस्था को और बर्बाद कर चुके हैं। कश्मीर कश्मीर करते करते इमरान खान आज पाकिस्तान को कंगाली के मूड पर ले आए हैं और अब ये देश चीन का गुलाम बनने की ओर अग्रसर है। सेना के विरुद्ध बढ़ रहे रोष को काबू में करने के लिए वर्ष 2018 में पाकिस्तानी सेना द्वारा इमरान खान को सत्ता की गद्दी पर बिठाया गया था, लेकिन अब इमरान खान ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोझ बन गए हैं। जाहिर है कि उनके आज के प्रदर्शन पर उनके काले अतीत की साये की झलक साफ दिखाई दे सकती है। पाकिस्तान के लिए यही अच्छा होगा कि एक नशेड़ी के बजाय कोई मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ही इस देश का नेतृत्व करे।